थलवाड़ में खो खो छात्र वर्ग जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। 68वीं जिला स्तरीय 4 दिवसीय खो खो छात्र वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार को उपखंड के थलवाड़ ग्राम के राजकीय विद्यालय में हुआ। प्रतियोगिता में जिले भर से खो खो खेल 17 वर्ष में 12 टीमें और 19 वर्षीय में 18 टीमों के कुल 355 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल के मुख्य अतिथि व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवरलाल परमार की अध्यक्षता में हुआ। बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंडी पूर्व चेयरमैन दीप सिंह धनानी, पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष नैनमल लखारा, पूर्व प्रधान रामप्रकाश चौधरी, किसान नेता बद्रीदान चारण, रमेश पारिक, दलपत सिंह भाटी, दिलावर सिंह चंपावत, सरपंच प्रतिनिधि करण सिंह मेड़तिया, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि लालाराम माली, थानमल राजपुरोहित अभय सिंह, राम सिंह मेड़तिया, मनसा सिंह रहे। अतिथियों का ग्रामीणों द्वारा बहुमान कर विधिवत झंडारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CBO परमार ने भामाशाहों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज इस कार्यक्रम को सफल करने में भामाशाहों की अहम भूमिका है। वहीं पूर्व प्रधान चौधरी ने भामाशाहों की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। विशिष्ट अतिथि धनानी ने कहा कि उन्होंने खेलों की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंता जाहिर करते हुए विद्यार्थियों को हमेशा खेलों में प्रयास करने की बात कही। विशिष्ट अतिथि बालावत ने कहा कि CBO परमार जहाँ जहाँ पदाभिष्ट रहे वहाँ शिक्षा के बेहतरीन करने का भरपूर प्रयास किया है। शिक्षा के ढांचे को भी उन्होंने सुधारा है। उन्होंने विद्यालय भवन को बहुत ही सुंदर बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के सहयोग से एक एक कार्यक्रम को बेहतरीन हो सका है। वह हमेशा क्षेत्र में यात्रा करता हूँ लेकिन खेल मैदान अधिकांश समय खाली देखता हूँ, इसलिए शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी रुचि लेकर आगे बढ़े। इस दौरान मुख्य अतिथि मेघवाल ने ग्रामीणों को धन्यवाद देते हुए खेलों को जीवन में जरूरी बताते हुए अपना नाम रोशन करने की बात कही। अंत में PEO रमेश कुमार परमार ने सभी भामाशाहों, ग्रामीणों व आगंतुक मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए प्रतियोगिता पारदर्शिता से करवाने के लिए सबके सहयोग देने की अपील की। इस दौरान भामाशाह लालजी माली द्वारा करीब 2 लाख की लागत से बने टीन सेट का भी अतिथियों ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान शिक्षक नौपाराम, व्याख्याता सुरेश परियार, रणजीत राजपुरोहित, जोराराम देवासी, उत्तम सिंह दैया, राम सिंह, तुलसाराम प्रजापत, ओबाराम देवासी सहित ग्रामीण व खेल प्रतिभागी मौजूद रहे। भामाशाहों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने खरी कमाई के जो पैसे निस्वार्थ भाव में, यहाँ कोई स्वार्थ नहीं, घर के मकान का स्वार्थ होता है, भलाई साहब ने कहा जैसे प्रतीक्षा में भी उनका नाम होता है, वो तो स्वार्थ रूप है। यहाँ तो इन बच्चों के लिए उन्होंने ये जो अपना धन खर्च किया है उनके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ और मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनके रात दूंगी और धन सौना करें। आज मेरी प्रतियोगिता होने जा रही है, उनमें बच्चों को मेरा ये कहना है कि आप खेल खेल की भावना से मन में रहता हुआ खेल खेले और रात्रि जो मैंने जो उनको स्वीकार करे। आपके गांव में जो उन्होंने कहा वो सभी आज सरकार के मन में बैठे हैं। आप लोगों को काम में कमी नहीं आएगी, आप लोग सब व्यवस्था पहले से हमेशा आप कह रहे हो ये स्मरण भाई, ये तो बद्रीराम जी को भी पूरी पता नहीं है, तो पहले नहीं कहे थे ये स्मरण भाई, ये एक शेर जी ने बनाई थी। फिर क्या हुआ, गांव वालों ने उनको सौंपन का लालच किया था और उस समय रिजर्व पहले वोट आया था, ये सीट हो गई रिजर्व थान बदल दिया शेर जी ने। फिर ये धनवाड़ की 2-5 महीनों के बाद वापस उड़ा दिया था। पता ही नहीं था ना कि भाई ये हमारे रिजर्व ही है, तो उन्होंने ये बनाई थी और ये पहले प्राइवेट थी, फिर उस प्राइवेट में हुई और जब मुझे सेवा का मौका मिला मैंने ये करवाई
ये हॉस्पिटल इनको दिया और गाँव वालों ने नव्य श्री माता के सामने मेरे से मांगे कि हमारे यहाँ नर होने से तो वो टंकी बना के नल से पानी की सप्लाई दी थी। अब अभी उस समय मैं कांग्रेस में था लेकिन अब इस राज में हूँ, अब मैं बीजेपी में हूँ, कांग्रेस में हूँ। अब मंत्री जी वहाँ है, दीप सिंह जी, रविंद्र सिंह जी, राम दुर्गा जी, नरेंद्र जी, ये सब यहाँ बैठे हैं। जो कोई काम होगा उसमें आपको कोई कमी नहीं रहेगी और सरकार अभी दो इंजन की है, डबल इंजन है, दिल्ली में भी बनी है और राजस्थान में उनका काम नहीं होगा। मैं ज़्यादा उनके बच्चों को खाने का